असलमकुम एवरी वन आज हम फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो केमिस्ट्री इम्पोर्टेंस ऑफ बायो केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट बायो केमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है वच इस Taking place inside the cell. जैसे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं बायोकेमिस्ट्री में स्टूडेंट्स नंबर सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स द नॉलेज ऑफ बायो केमस्ट्री इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको बायो केमिस्ट्री हेल्प करेगा देखें फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डी एन ए टू प्रोटीन दो स्टेप में होता है पहले स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसलेशन जब डी एन ए से मैसेन्जर ऑर एन ए की कॉपी बनती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम टेम्पलेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन ये साइड में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है उसके पास कोड्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और जब ये कोड डीकोड होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन में तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन तो स्टूडेंट्स प्रोटीन सेंथिसिस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो दो स्टेप में होता है अगर इन्फॉमेसन फ़्लो करेगा डीएनए से आरएनए में तो इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन और जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ़्लो करेगा मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये यह, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये एक प्रोकैरियोट का डायग्राम है यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे डीएनए से मैसेंजर आए ने बना फिर मैसेंजर आ रए से प्रोटीन दोनों स्टेप इस, इस डायग्राम में मैंशन है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे फर्स्ट में डी एन ए है फिर उसमें से मैसेंजर आ रई ए बना देन उसमें से राइबोसोम बना अगर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना तो वो ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए से जब राइबोसोम्स पोलिपिप्टाइट चेन बना के प्रोटीन बनाते हैं तो उसको कहते हैं हम ट्रांसलेशन स्टूडेंट जैसे कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है एक बैक्टीरिया का आ, सेल है तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही स्टेप किस में अक्कर होते हैं साइटोप्लाज्म में अक्कर होते हैं और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद करनी चाहिए उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ बायो केमिस्ट्री की हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायो केमिस्ट्री इन पैथोलॉजी सो व्हाट डू यू मीन बाय पैथोलॉजी पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज अब देखिए स्टूडेंट्स अब जो बायो केमिस्ट्री है बायोकेमिस्ट्री हेल्प टू डायग्नोस ऑफ डिजीज मगर कैसे थ्रो एनालिसिस ऑफ ब्लड की टेस्ट बायोकेमिस्ट करते हैं बायोकेमिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होता है तो वो बायोकेमिकल टेस्ट एनालाइज़ करते हैं ब्लड का बायोकेमिकल टेस्ट होता है ब्लड का जिससे हम डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट होता है यूरिन का जिससे हम किसी डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं या फिर अदर बॉडी फ्लड की टेस्ट होती हैं तो देखिए डिज़ीज़ के डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट ये सब बायोकेमिस्ट करते हैं तो इन डिजीज की डायग्नोसिस में भी बायोकेमिस्ट्री का रोल है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री का नंबर फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री होल्ड अ की पोजीशन इन डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन बिकॉज ऑफ देयर आर नॉलेज ऑफ द केमिकल इंटरियक्शन इन दी बॉडी देखें स्टूडेंट्स जो बायोकेमिस्ट होते हैं जो मेडिसिन बनाते हैं उनको बहुत डीप नॉलेज होता है केमिकल का बॉडी में बायोकेमिस्ट वर्क इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिसर्चिंग डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन तो जो मेडिसन हम बहुत सारी डिजीज में लेते हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दी नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री और जो वैक्सीन डिजीज के पहले एज अ प्रोटेक्टिव मैयर के तौर पर हम लगवाते हैं तो ये वैक्सीन भी बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज से बनाए जाते हैं तो इसमें भी बायोकेमिस्ट्री हेल्प कर रहा है नंबर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डज सेल कंबाइन विथ अदर सेल देखें स्टूडेंट्स हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन आपने पढ़ा होगा सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन बनाते हैं तो ये इसमें भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं बायोकेमिकल इंटरक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में नंबर सिक्स पॉइंट हाउ डज अ सेल ग्रो मीन्स हाउ डज ग्रोथ ऑफ सेल आर कंट्रोल स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं और प्रोटीन को भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं और ये याद रखें कैंसर एबनॉर्मल सेल डिवीजन है जब सेल डिवीजन कंट्रोल से निकल जाता है तो उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं नंबर सेवन पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बायो रोल इन कैंसर तो स्टूडेंट्स कैंसर को भी समझने में बायोकेमिस्ट्री का रोल है बायो केमिस्ट्रीज रोल इन कैंसर मेनी कैंसर को भी बायोकेमिकल चेंजेस के बुनियाद पर हम एक्सप्लेन करते हैं आपने एक ट्रम पढ़ा होगा कार्सिनोजन। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर काज करते हैं हम उनको क्या कहते हैं कार्सिनोजिन कहते हैं द केमिकल एजेंट्स डेटका तो हमने देखा कि बायो केमिस्ट्री का इसमें भी रोल है तो यहाँ पे नंबर एट पॉइंट है हाउ डज अवर मेमरी वर्क तो हमें चीज़ें याद कैसे रहती हैं हमारी मेमरी कैसे वर्क करती है ये भी हम बायो केमिस्ट्री की हेल्प से देखते हैं तो हमने देख लिया वन टू एट पॉइंट कि सारे बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस जो भी थे मैंने में मेंशन किए किस तरीके से सेल ग्रो करता है कैंसर कैसे हो जाता है हमें हमें चीज़ें याद कैसे रहती हैं हमारी मेमोरी कैसे वर्क करती है तो बायोकेमिस्ट्री ही वो ब्रांच है जो इन तमाम चीज़ों से डील करती है और हमें इन तमाम सवालों के जवाब देती है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल